वेलकम व्यूअर्स। आज जिस आज में मैं एक नया कंटेंट लेके चला आया, जो कंटेंट होने वाला है रियाद मेट्रो लेके। तो आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ रियाद मेट्रो के बारे में। तो फ्रेंड्स लोग, व्यूअर्स लोग, आज का जो कंटेंट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए इसका शेयर करने के लिए, और कॉमेंट डाल दीजिए, कुछ ना कुछ आप लोग कॉमेंट डाल दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा तो ये मेरा वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ सऊदी मेट्रो लेकर। सऊदी मेट्रो ये आपका फास्ट मेट्रो नहीं है। फास्ट मेट्रो सऊदी में बनाया था 2010 साल में, नवंबर 2010 मक्का सिटी में बना था। तो अभी जो बनने वाला है ये होगा आपका रियाद में, ये सेकेंड प्रोजेक्ट होने वाला है सऊदी अरब मेट्रो का। तो ये सेकेंड मेट्रो लाइन अभी जो फ़िलहाल स्टार्ट होने वाला है, कब होगा ये भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तो पूरा ट्रायल चल रहा है, हर जगह लोग कभी कभी देख रहे हैं मेट्रो चल रहा है लाइन कोपर से। तो ये सेकेंड मेट्रो प्रोजेक्ट जो सऊदी में आ गया है अभी, इसका नया 586 न्यू कार आने वाला है। 586 कार सिर्फ रियाद के लिए चलेगा, और इसका जो कोचेस होगा 2 से 4 कोचेस तक इधर का मेट्रो होगा, मतलब छोटा ही होगा नॉर्मली। और ये मेट्रो लाइन फ़िलहाल स्टार्ट होगा 6 लाइन पे। तो 6 लाइन में स्क्रीन में दिखा दूंगा आपका एक छोटा सा मैप, तो आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ पे 6 लाइन होने वाला है, कैसे होने वाला है 6 रूट। और स्टेशन फ़िलहाल स्टार्ट हो रहा है, 85 स्टेशन फ़िलहाल स्टार्ट हो रहा है। और इसका जो किलोमीटर ये लोग कवर करेगा रियाद के अंदर, 176 किलोमीटर ये लोग कवर करेगा ये मेट्रो से। और ये फ़िलहाल स्टार्ट होने का जो एक पॉसिबिलिटी है, ये 2022 का फर्स्ट क्वार्टर में, बोले तो अप्रैल 2020 का 22 का अंदर ही ये स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात है, ये जो अभी ट्रांसपोर्ट आने वाला है ये होगा सऊदी का रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा सऊदी गवर्नमेंट ने। जैसा क्या है, आप मेट्रो से ट्रैवल कीजिए, मेट्रो से ट्रैवल करने का बाद मेट्रो का नीचे जब आप स्टेशन का नीचे आएंगे तो आपको उधर ही बस मिलेगा। जो अभी रियाद में बस आप लोग शायद देख रहे हैं रास्ता में चल रहा है, 2 कंपार्टमेंट वाला जो बस है, तो ये बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंदर ही आएगा। तो ये मेट्रो और बस का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है और भी बहुत स्मूथ कर देगा। और ये फ़िलहाल मेरा जो मतलब हम लोग जो सोच रहा हूँ, ये टैक्सी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा आम जो हम लोग वर्कर्स लोग हैं हम लोगों के लिए। तो भाई लोग, जो भी अभी हम लोग इधर काम करने वाला जो भी हूँ, एक बार हो सकेगा तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए मेट्रो का, और देखिए कितना अच्छा लगेगा। अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये मेट्रो चढ़ने के लिए, कैसा क्या होगा। अभी फेयर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, मतलब इसका जो कितना प्राइस होगा, भाड़ा वगैरह कैसा होगा, ये हम लोगों के पास अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं ज़रूर एक आर्टिकल बनाऊँगा इसके ऊपर, एक कॉन्टेंट बनाऊँगा और मैं पोस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो भाई लोग, अभी आज के लिए तो मैं चलता हूँ, और मेरा एक कहना है, जितना भी पॉसिबल होगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सऊदी अरब और रियाद के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग देते जाएंगे, और जी सर्च देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च।